हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि मंगल या फिर मार्स आपके कुंडली के जिस भी राशि या फिर साइन में प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसा रिजल्ट मिल सकता है। देखिए, मार्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, कैसे उसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और मोटिवेशन मिलेगा तो और भी ज़्यादा न्यू टॉपिक में मैं वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कशन पे चलते हैं। देखिए, मार्स या फिर मंगल देव आपके ओवरऑल लाइफ फोर्स को डिनोट करते हैं, आपके एनर्जी लेवल को डिनोट करते हैं। आप सुबह से उठने के बाद जो भी ब्रश करने से लेके जो काम आप करते हो वो कहीं ना कहीं मार्स के डिपार्टमेंट में ही आता है, मंगल देव के डिपार्टमेंट में आता है। मतलब यहाँ पे आप लाइफ में कितने ज़्यादा एक्टिव हो, कितने ज़्यादा करेजियसली आप हर एक चैलेंजेस का सामना करते हो, आपके अंदर का विल पावर कैसा है वो हम मार्स से देख सकते हैं। मार्स आपके बॉडी में ब्लड को कंट्रोल करता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये प्लैनेट है। मार्स आपके मोटिवेशन फैक्टर है। मार्स डिनोट करता है कि आप अपने जो एंगर है उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो। मतलब बहुत लोग होते हैं कि गलत टाइम पर एंगर दिखा देते हैं और उस वजह से बहुत सारे रिलेशंस उनके ख़राब हो जाते हैं। तो इसी वजह से मार्स कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप अपने एनर्जी लेवल को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो दूसरों के सामने, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वो रिलेशन कितने दिन तक चल सकता है। वो सिर्फ लव रिलेशन नहीं, हर एक मतलब वर्क फ्रंट में भी आप कैसे अपने एक्टिव जो नेचर है उसको दिखाते हो, अगर कोई आपको कुछ बोल दे तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये मार्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये मार्स आपके आपके अंदर का जो करेज है उसको दिखाता है, और कहीं ना कहीं आपके अंदर का एम्बिशन कितना है वो दिखाता है, आपके मोटिवेशन फैक्टर को दिखाता है। मतलब आप कौन से चीज़ से बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करते हो, तो ये कहीं ना कहीं मार्स से हम देख सकते हैं। तो मार्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। मार्स का यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी, लैंड, इन सब को भी दिखाते हैं, भूमि पुत्र कहलाया जाता है। इसीलिए मार्स का अच्छे राशि में होना कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग योर मैरिज ऑल्सो, ठीक है। तो अब साइन वाइज हम लोग आज डिस्कस करते हैं। चलिए अब देखिए, अगर मार्स आपके एरी साइन या फिर मेष राशि में प्लेस्ड है तो यहाँ पे देखिए मार्स का ये खुद का साइन आ गया, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मार्स है आपका, और कालपुरुष कुंडली के फर्स्ट हाउस में भी इसका इम्पैक्ट जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये पर्सन सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। मतलब इनको मोटिवेट करने के लिए कोई बाहर की कुछ चीज़ें की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये खुद ही खुद को मोटिवेट करने की जो कैपेसिटी है वो इनके अंदर रहेगी, और काफ़ी ज़्यादा करेजियस पर्सन होंगे, लाइफ के हर एक चैलेंजेस को बहुत अच्छे से उसका सामना करेंगे, और लीडरशिप स्किल इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। हर एक कंपटीशन में ये मतलब फर्स्ट आने की कोशिश करेंगे, तो ये जो थिंकिंग है ये आप उनके अंदर देख पाओगे, और काफ़ी ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहने की हमेशा कोशिश करेंगे। फिटनेस के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान हो सकता है, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत पसंद करते हो ये पर्सन, ऐसा रह सकता है, या फिर जिम, फिटनेस, इनसे रिलेटेड इनका कुछ करियर भी हो सकता है, या फिर पुलिस, आर्मी फोर्स, इन सब से रिलेटेड भी करियर इनका हो सकता है, या फिर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं एंगर इशू की बात करूँ तो थोड़े से जल्दी ये गुस्से में आ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा रहेगा क्योंकि एनर्जी लेवल इनके अंदर काफ़ी हाई है, बट इनका जो एंगर होगा वो काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड लाइक एंगर रहेगा। मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बट वो जो गुस्सा है वो बहुत देर तक ये लोग होल्ड करके नहीं रखते, तो
ऐसे किस्म के पर्सन आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। ये कभी कभी मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा कर बैठे, बिना सोच समझ के कुछ कर बैठे, और फिर मतलब उसको डिफेंड करने की भी वो कोशिश करें, मतलब खुद को डिफेंड करने की, नहीं मेरा ये रीज़न था इस वजह से, मतलब गलती बहुत आसानी से नहीं मानने वाली जो थिंकिंग है वो भी आप इनके अंदर देखोगे। बट यहाँ पे अगर मार्स विदाउट एनी एफ्लिक्शन प्लेस है तो जो मैंने एंगर इशू का बताया है वो भी इनके कंट्रोल में रहेगा और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिवली ही उसका यूज़ करेंगे। बट अगर यहाँ पे मार्स आपका एफ्लिक्टेड है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको फेस हो सकती है, स्पेशली यू नो अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड, मतलब एरीज में प्लेस्ड है, तो कहीं ना कहीं मतलब देखिए यहाँ पे एंगर की वजह से ही बहुत ज़्यादा रिलेशंस आपके ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पे आपके अंदर पैशन डिज़ायर फिर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमेशा सर में दर्द रहना, ऐसा भी कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, तो ये आप देख सकोगे अगर मार्स आपके यहाँ पे एफ्लिक्टेड है तो। अब देखिए अगर मार्स आपके टॉरस साइन में प्लेस्ड है तो यहाँ पे आपका जो एक्शन रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब आपका जो एनर्जी लेवल रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस्ड एनर्जी लेवल, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, ऐसे किस्म के होंगे। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को एंगर तो आएगा बट वहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल रीज़न रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कारण से आप गुस्से में आ गए, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे वैसा रहेगा और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रह सकता है कि आप थोड़े से रिजिड रहो, मतलब कोई भी अपने एम्बिशन, अपने गोल को लेके बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आपके अंदर रह सकती है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मैं बोलूँगी। और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशन फैक्टर ये होगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको कैसे मिले, वो आपका मेन मोटिवेशन फैक्टर रहेगा। और यहाँ पे देखिए मार्स कहीं ना कहीं कालपुरुष कुंडली के सेकेंड हाउस को भी इम्पैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपका जो वॉइस होगा वो काफ़ी ज़्यादा लाउड किस्म का हो सकता है या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हो, तो इस वजह से भी थोड़ा सा फैमिली लाइफ में इश्यूज़ हो सकते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और अदरवाइज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए फैमिली भी मोटिवेशन फैक्टर रह सकती है, आपका जो फाइनेंसेस है वो मतलब आपके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर रहेगी। तो यहाँ पे टॉरस में अगर मंगल है और विदाउट एनी एफ्लिक्शन है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिर अच्छा रहेगा आपके लिए। और बट यहाँ पे देखिए अगर मार्स आपके किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड हो रहे हैं फिर लेजीनेस भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए अगर मार्स आपके जेमिनी साइन में प्लेस्ड है तो मरकरी के हाउस में मार्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं फील करते, तो आप ऐसे पर्सन हो जो अपना जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं नई नई चीज़ों को लर्न करने में इन्वेस्ट करते हो, ये आपके अंदर एक क्वालिटी देखी जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा आपका जो एनर्जी है वो क्यूरियस किस्म का है, मतलब एक जगह पे अगर आपको कोई बैठने को ऐसे बोल दे तो आप वैसे बैठे नहीं रह पाओगे, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस की थोड़ी सी कमी हो जाना या फिर डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाना, ये थोड़ी कुछ नेगेटिव थिंग्स आपके अंदर रह सकती है। बट यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि मार्स आपके जेमिनी साइन में बैठ के आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल कम्युनिकेटर यहाँ पे बना सकते हैं, तो आपके वर्ड्स में ही वो ताकत रहेगी जहाँ पे आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो जिसके थ्रू। तो इसीलिए यू नो जर्नलिज्म जो करियर है वो भी आपके लिए अच्छा रह सकता है या फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई भी करियर। बट यहाँ पे अगर मार्स आपके एफ्लिक्टेड है तो ऐसे हो सकता है कि आपके वर्ड्स की वजह से ही कहीं ना कहीं एनिमीज क्रिएट हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप अपने कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी कर सकते हो, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पे आप बन सकते हो अगर मार्स आपके यहाँ पे पॉजिटिवली वर्क कर रहा है तो। अदरवाइज़ थोड़ा सा नर्वसनेस वाला जो थिंग है वो भी आपके अंदर यहाँ पे रहेगी, कुछ भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपका हो सकता है यहाँ पे, तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट यहाँ
पे पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। ये पर्सन को हमेशा नई नई चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। लाइफ में अगर चेंज हो, न्यूनेस हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील करते होंगे, तो ऐसा देखा गया है। बट अगर यहाँ पे मरकरी के साइन में प्लेस्ड है तो आप बहुत नई नई कुछ चीज़ें सीख के या फिर ट्रैवलिंग के द्वारा भी बहुत कुछ यहाँ पे लाइफ में अचीव कर सकते हो, ठीक है। बट थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपके ऐसा भी हो सकता है कि वर्क फ्रंट में कलीग्स के साथ आपका झगड़ा हो जाए, ये बहुत ज़्यादा एक बिग पॉसिबिलिटी रहती है, या फिर सिबलिंग्स के साथ कुछ भी अनबन हो जाए। अच्छा, जेमिनी साइन में प्लेस्ड है तो यहाँ पे जेमिनी ड्यूअलिटी को दिखाता है, और ट्विंस, तो ऐसा हो सकता है आपके कोई ट्विन सिस्टर या ब्रदर रहे, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मार्स आपके कैंसर साइन में प्लेस्ड है तो ये मार्स का डेबिलिटेशन साइन माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे मार्स बहुत ज़्यादा मून के साइन में कंफर्टेबल नहीं फील करते। बट यहाँ पे आपके पर्सनल चार्ट के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि नीच भंग हुआ है कि नहीं। बट यहाँ पे ओवरऑल कैसा रिजल्ट होता है, मतलब यहाँ पे देखिए, पर्सन थोड़े से एक्चुअली कन्फ्यूज रहेंगे अपने इमोशंस को लेके, अपने एग्रेशन, अपने एंगर को लेके, कि कहाँ पे वो दिखाना चाहिए, कहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए। ये चीज़ को लेके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते होंगे, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम फील करते होंगे। और यहाँ पे देखिए, पर्सन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे अपने फैमिली को लेके, अपने मदर को लेके भी हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं अपने लव्ड वंस को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे, तो ये ज़्यादातर यहाँ पे देखा गया है। बट यहाँ पे ना मतलब पर्सन क्या होंगे कि अपने एक्शंस को खुल के जाहिर नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को लेके, बहुत लोग होते हैं ना कि डिफेंसिव काइंड ऑफ हो जाते हैं, मतलब सोचते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ ना बोलूँ तो ही अच्छा रहेगा, तो अपना थोड़ा सा होल्ड बैक कर लेना, ऐसी कुछ टेंडेंसी यहाँ पे आप देख पाओगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनके फैमिली लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है, स्पेशली मतलब कुछ भी फैमिली में फाइट्स वगैरह हो जाना किसी तरीके से, स्पेशली अगर मार्स आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो मदर के साथ ही कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, या फिर लैंड प्रॉपर्टी को लेके भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। तो ये थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अदरवाइज़ यहाँ पे देखिए, मार्स कैंसर में होने के कारण आपके अगर मदर होंगे तो बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन वो हो सकती है। बट यहाँ पे यही है कि पर्सन अच्छे होंगे, मतलब प्रोटेक्टिव वाला नेचर रहेगा, बट यू नो जो एंगर है वो शायद गलत जगह पे ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। और हाँ, और एक चीज़, इनके अंदर जो मूडीनेस है वो काफ़ी ज़्यादा मार्स का यहाँ पे होने की वजह से हाई रहेगी, और जिस वजह से इनकी कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आपका जो मूडी नेचर है उसके ऊपर आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए, अगर मार्स यहाँ पे लियो साइन में प्लेस्ड है, सिंह राशि में प्लेस्ड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मार्स माना जाएगा, और यहाँ पे आपका जो एक्शंस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा रहेगा कि लोग देखेंगे उस चीज़ को, मतलब एक बढ़ा चढ़ा के मैं ऐसे बोल सकती हूँ। और कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन फैक्टर यही होगा कि मतलब आप को लोग जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे वो आपके लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर रहेगा। और यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, आपके अंदर लीडरशिप स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी रह सकती है, और इसी वजह से थोड़ा बहुत लोगों को डोमिनेट करने वाली जो थिंकिंग है वो भी आपके अंदर रह सकती है। अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर आप थोड़े से पॉजिटिव किस्म के भी हो सकते हो, तो ये थोड़ा सा ऐसा देखा गया है, स्पेशली लव रिलेशनशिप को लेकर, या फिर अपने चाइल्ड को लेके, मतलब चाइल्ड को लेके इन द सेंस आप उसको एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पे अपना एनर्जी आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं आप यहाँ पे बहुत अच्छे गार्डियन साबित हो सकते हो। आप अपने एडुकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अपना एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, वहाँ पे जो भी कंपटीशन होगा तो आप वहाँ पे लीड करने की, मतलब फर्स्ट रैंक में रहने की हमेशा आपके अंदर वो कोशिश रहेगी, और आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, आपके अंदर जो स्टाइल का सेंस है वो काफ़ी अच्छा रह सकता है यहाँ पे। मतलब जो जैसे भी आप ड्रेसअप होते होंगे तो लोग उसको अप्रिशिएट करते होंगे, ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपके एक्शन में थोड़ा सा ड्रामा एडिट रहे, तो थोड़ा सा ड्रामाटिक एक्शंस आपका यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे देखिए एंगर भी आपका काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अग्नि तत्व के ग्रह और अग्नि तत्व वाली साइन में भी चला गया, मतलब फायर साइन में भी चला गया, तो इस वजह से एंगर का हाई रहना यहाँ पे बहुत मामूली सी बात है। तो यहाँ पे आपको उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा किंग लाइक फीलिंग आ सकता है। तो इस वजह से मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ यहाँ पे रहना, या फिर अपना एंगर ऐसे एक्सप्रेस करना, आप शायद डिज़र्व करते हो, बट यू नो वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपके पर्सनल रिलेशनशिप वो किसी तरीके से हैम्पर हो सकते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल फील्ड में के फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके अंदर वो करेज है, वो लीडरशिप स्किल है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मार्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए आपका बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर मार्स आपके वर्गो साइन में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे मार्करी के साइन में आ गया, तो यहाँ पे मार्स बहुत ज़्यादा फिर से कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है। तो यहाँ पे वही थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा एक फियरफुल नेचर आपके अंदर रह सकता है इनिशियली, बट यहाँ पे देखिए आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करोगे ये दिखाता है, और आपके अंदर वर्क एथिक्स काफ़ी ज़्यादा हाई रह सकती है। कभी कभी वर्कहोलिक जो नेचर है वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं। आप जितना लोगों के लिए काम करोगे, मतलब यहाँ पर अगर देखिए वर्गो साइन सर्विस को दिखाता है, मतलब लोगों के लिए आप जितना काम करोगे तो आपका यहाँ पे मार्स आपके गुड रिजल्ट देगा यहाँ पे। अदरवाइज़ यहाँ पे मनी आप बहुत बिना सोच समझ के स्पेंड कर सकते हो, तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, या फिर सिक्स्थ हाउस तो लीवर रिलेटेड मतलब एब्डोमिनल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पे हो सकती है, तो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट अदरवाइज़ यहाँ पर मार्स बैठ के कहीं ना कहीं आपको मतलब मोटिवेट आप किस चीज़ से होते हो अगर मैं बोलूँ, तो कहीं ना कहीं आप सर्विस से मोटिवेट होते हो, अपने वर्क से आप मोटिवेट होते हो, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना आप एनिमल्स के लिए भी कुछ अगर करोगे, आप जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए भी अगर कुछ करोगे, तो यहाँ पे आपका जो मार्स बैठा है वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा इनडिसाइसिव जो नेचर है वो भी रह सकता है, बट इनडिसाइसिव जो नेचर है वो वर्गो के लिए उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता, बिकॉज ये अर्थ साइन है, वो जेमिनी एयर साइन था, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। बट अगर आप लोग एक स्केड्यूल मेंटेन करके लाइफस्टाइल को लीड करो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे वर्क रिलेटेड जब भी कोई आपको अकॉम्प्लिशमेंट मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, ऐसा देखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी रहेगी। अदरवाइज़ आपका जो एंगर रहेगा उसके पीछे भी कोई ना कोई प्रैक्टिकल रीज़न रह सकती है, ज़्यादातर किस्म में रहेगा। और अदरवाइज़ अगर आपका मार्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एफ्लिक्टेड है, तो फिर यहाँ पे आपको जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैंने बोला वो भी आपको फेस हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपको अपने कम्युनिकेशन, क्योंकि वर्गो भी कम्युनिकेशन है, तो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ उस चीज़ के कारण भी प्रॉब्लम्स आपको वर्क रिलेटेड एरियाज़ में भी हो सकता है के साथ, ठीक है। अब देखिए अगर मार्स आपके लिब्रा साइन में या फिर तुला राशि में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे आपका जो एनर्जी रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस्ड किस्म का एनर्जी रहेगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन रहोगे, बट यहाँ पे एंगर आपको थोड़ा सा जल्दी आ सकता है, क्योंकि ये एयर साइन है, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं मार्स आपके सेवेंथ हाउस के ऊपर भी एक इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का सेवेंथ हाउस है, तो इस वजह से एनर्जेटिक पार्टनर मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहती है, जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करे। एक्चुअली आप मतलब दूसरों से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हो, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, तो क्योंकि ये मोटिवेशन भी आपके लिए ज़रूरत है, मतलब एक ज़रूरी चीज़ है, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा लेज़ी फील करो, तो इस वजह से वो मोटिवेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए बिजनेस एरिया में भी आप अच्छे कर सकते हो, तो उस सब चीज़ों के लिए
अच्छा रहेगा। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूँ तो लिब्रा में होने के कारण आप काफ़ी ज़्यादा जस्टिस लविंग पर्सन हो, हमेशा हर एक चीज़ में आपको जस्टिस चाहिए रहेगा। तो वो अगर आपको ना मिले तो ही वो मतलब आपका जो एंगर है वो यहाँ पे आप दिखाओगे। और यहाँ पे देखिए, बट यहाँ पे ओवरऑल मैरिज रिलेटेड थिंग्स में आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वहाँ पर जब आप डील करोगे या फिर कोई भी बिजनेस डीलिंग में भी आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज यू नो आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंगर या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप एनर्जी लेवल दिखा दोगे तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकता है नेगेटिवली। यहाँ पे अगर मार्स नेगेटिवली एफ्लिक्टेड है तो आपका जो पैशन या फिर जो डिज़ायर है, सेंशुअलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रह सकता है। तो इस वजह से भी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, तो इस चीज़ के ऊपर आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, अब देखिए, अगर मार्स आपके स्कॉर्पियो साइन या फिर वृश्चिक राशि में प्लेस्ड है तो यहाँ पे मार्स ये खुद के अपने साइन में आ गया, तो यहाँ पे ये जो नेटिव होंगे उनका जो बेसिकली इमोशंस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस किस्म का होगा, क्योंकि साइन वाटर साइन है और बहुत ज़्यादा इंटेंस साइन है। यहाँ पे ये जो पर्सन होंगे इनका जो विल पावर होगा वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग रहेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लाइफ के हर एक चैलेंजेस को ये फेस करेंगे। करेज बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस पर्सन का रहेगा और किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन से ये घबराएंगे नहीं, उसका बहुत हिम्मत से ये सामना करेंगे। लोग इनकी हिम्मत को देख के यू नो बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे इनको, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा एंगर इशू रह सकता है। और यहाँ पे देखिए, अगर आपका कहीं ना कहीं वृश्चिक जो मतलब मंगल जो वृश्चिक राशि में प्लेस्ड है वो अगर 10th हाउस से कनेक्टेड हो रहा है या फिर 6th से, तो कहीं ना कहीं आपको एनिमीज़ का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा आपको फेस करना पड़ेगा। बट आप बहुत ज़्यादा हिम्मत से उन सारी चीज़ों का भी सामना करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करके आप अपना जो गोल है वो अचीव करोगे। यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग रिसर्च वर्क में बहुत अच्छे कर सकते हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऐसे किस्म के वर्क में आप बहुत अच्छे कर सकते हो। और मैं अपना यहाँ पे ये बोलूँगी कि आपका जो भी गोल्स है, एम्बिशंस है, उसको जितना हो सके सीक्रेट रखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा लोगों के साथ उसको शेयर मत कीजिए, क्योंकि आप जितना सीक्रेटिवली अपना काम करोगे आप अपने जो भी गोल है उसको बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर पाओगे। तो यहाँ पे ये देखा जाता है। यहाँ पे ऑब्वियसली ऑकल रिलेटेड फील्ड में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हो और वहाँ का जो नॉलेज है आप बहुत अच्छे से गेन कर सकते हो, वहाँ के फील्ड में भी आप बहुत नाम कमा सकते हो, ये देखा जाएगा। बट अगर यहाँ पे आपका मार्स किसी भी तरीके से एफ्लिक्टेड है तो आपके अंदर का जो पैशन है, सेंशुअलिटी, डिज़ायर, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रह सकता है, तो यहाँ पे उस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज़ वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप में उसका बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, अब देखिए, अगर मंगल देव आपके धनु राशि या फिर सैजिटेरियस साइन में प्लेस्ड है तो ये भी मार्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट मैं मानूंगी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपना जो एनर्जी है वो नॉलेज गेन में ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे और काफ़ी ज़्यादा एक वाइज पर्सनैलिटी आपकी यहाँ पे रहेगी, विजडम रहेगा आपके अंदर बहुत अच्छा, जिसके थ्रू आप लाइफ के हर एक चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस कर पाओगे, यहाँ पे ये शो करता है। यहाँ पे देखिए, आपका मोटिवेशन फैक्टर अगर मैं बोलूँ तो वो ट्रैवलिंग है। आप जितना डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ यू नो बातचीत करोगे, उनके कल्चर को जानोगे, तब आपका जो एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा हाई हो रहेगा, मतलब आप फिर बहुत ज़्यादा एक्टिवली हर एक काम को निभा पाओगे, मतलब आप कहीं ना कहीं अपने वर्क में, अपने लाइफ में फ्रीडम को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। तो यहाँ पे अगर मतलब बोर्डम आ गया, फिर आपका एनर्जी लेवल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाएगा, तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा जस्टिस लविंग पर्सन होंगे और काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ भी अपना नॉलेज शेयर करोगे, तो यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन भी
काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाता है और काफ़ी ज़्यादा आप ऑनेस्ट रहोगे अपने हर एक डीलिंग्स में, आप काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट रहोगे। यहाँ पे देखिए सैजिटेरियस नाइन्थ हाउस का भी साइन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो फॉर्च्यून है वो मार्स रिलेटेड चीज़ों में आपका फेवर कर सकता है। अगर मार्स यहाँ पे आपके अच्छे वे में प्लेस्ड है तो लैंड प्रॉपर्टी रिलेटेड लक भी आपका यहाँ पे रह सकता है। बट अगेन यहाँ पे मार्स अगर सैजिटेरियस में प्लेस्ड है तो थोड़ा सा फायर साइन में ही प्लेस्ड होने के कारण एंगर इशू भी आपका रह सकता है, तो इस वजह से थोड़ा सा फादर के साथ या फिर टीचर के साथ कोई भी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना भी यहाँ पे शो करता है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा आप एक फिलोसॉफिकल टाइप के पर्सनालिटी हो, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप मतलब आप ऐसे हो कि लाइफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा यकीन रखते होंगे, वहाँ पे अपना एनर्जी ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हो, ये ज़्यादातर देखा जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है ये मंगल का। अब देखिए अगर मंगल आपके मकर राशि में प्लेस्ड है, कैप्रिकॉर्न में प्लेस्ड है, तो ये एक्सॉल्टेशन साइन माना जाता है मंगल का, तो यहाँ पे मंगल बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। यहाँ पे एक्सॉल्टेशन साइन क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्स का जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में पर्सन यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब सैटर्न के साइन में आकर और यहाँ पे नेचुरल जोडिया के 10th हाउस में आकर कहीं ना कहीं पर्सन अपने वर्क एथिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं, अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा मतलब उनके अंदर वो पेशेंस रहती है उस गोल को अचीव करने के लिए। मतलब जैसे मार्स अगर एरीज में किसी का है तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब धैर्य की कमी उनके अंदर देखी जाएगी, इम्पेशेंस होंगे वो, बट यहाँ पे आपके अंदर वो पेशेंस रहेगी, वो धैर्य रहेगा। यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप अर्ली लाइफ में यंग जब रहे तो आप खुद के ऊपर थोड़ा सा डाउट आ जाए आपको, आप अपने बिकॉज सैटर्न आपको अपने लिमिटेशंस अपने बाउंड्रीज को यहाँ पे शो करेंगे ही, तो ऐसा हो सकता है कि अर्ली लाइफ में आप अपने ऊपर ही डाउट करो, बट यहाँ पे आपको नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में। यहाँ पे पर्सन बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी इनकी रहती है, और यहाँ पे देखिए इनको ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह का भी शौक़ हो, यहाँ पे ये भी देखा जाएगा, और पर्सन का विल पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब यहाँ पे पर्सन को आप किसी भी तरीके से कम्प्लीटली ब्रेक नहीं कर सकते, तो काइंड ऑफ अनब्रेकेबल पर्सनैलिटी मैं ऐसे बोल सकती हूँ। और यहाँ पे इनका जो हेल्थ रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, अगर ये अपने आप को हमेशा फिट रखे तो इनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और पर्सन होते ही ऐसे हैं। और यहाँ पे बेसिकली कोई भी कॉरपोरेट जॉब में पर्सन बहुत अच्छे कर सकते हैं, बिजनेस वगैरह में बहुत अच्छे कर सकते हैं, मतलब कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ से ऐसी जगह से ये शुरुआत करे जहाँ पे मतलब जहाँ से शुरुआत करने के बाद वो एक ऐसे मुकाम तक पहुँच जाए कि लोग मतलब देख के हैरान रह जाए कि ये पर्सन इतना कुछ भी कर सकता है, मतलब अपने दम पे ये अपना जो भी स्टेटस है वो अचीव करेंगे और काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे अपने गोल्स को लेके, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। और यहाँ पे बेसिकली ओवरऑल अगर आपके कैप्रिकॉर्न में मार्स प्लेस्ड है तो मार्स रिलेटेड कोई भी करियर आपके लिए अच्छा रहेगा, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कोई भी पुलिस आर्मी ये सब करियर आपके लिए अच्छा रहेगा। और मार्स का जो एनर्जी है वो अगर आप पॉजिटिवली यूज़ करो तो आप हायर स्टेटस हायर सब कुछ यहाँ पे अचीव कर सकते हो, ठीक है। और आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म के बॉस भी बनोगे, काफ़ी ज़्यादा कुछ भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में भी आप बहुत अच्छे कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगर मंगलदेव आपके कुंभ राशि में प्लेस्ड है तो यहाँ पे पर्सन अपना जो एनर्जी है वो ज़्यादातर सोशल वर्क में इन्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पे कुछ भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप टीम में ग्रुप में काम कर रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो ही आपके लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन फैक्टर की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखिए मार्स का कुंभ राशि में आना थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल आपका मूव्स रह सकता है, मतलब मतलब लाइक एक्शंस थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल किस्म का रह सकता है, बिकॉज कुंभ राशि वैसा ही एक साइन है
हैं जो कि राहु के द्वारा भी कंट्रोल्ड होते हैं, सैटर्न एंड राहु, और साथ ही साथ यूरेनस ऑल्सो। सो यहाँ पे काइंड ऑफ वैसा टाइप का एनर्जी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिक पर्सनालिटी आपकी रह सकती है। आप लोग टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छे कर सकते हो, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च फील्ड में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि यूनिक और रेवोल्यूशनरी कुछ भी काम आप यहाँ पे कर सकते हो जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंज लाए। तो ये पॉलिटिकल फील्ड की तरफ भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, तो ऐसे कुछ काम आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपका इनकम जो है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा आ सकता है, मतलब क्योंकि आप अपना जो एनर्जी है आप उसी तरफ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप खुद के दम पे बहुत यहाँ पे इनकम भी बहुत अच्छे से गेन कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए आप काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम लविंग पर्सन होंगे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा ग्रुप में काम करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन इस वजह से आपके अंदर रह सकता है। बट अगर आप उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करोगे तो यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट ही दिखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा, कुछ भी नया इन्वेंशन आप यहाँ पे ला सकते हो मार्स के एनर्जी के द्वारा, तो उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे कभी कभी आपके एंगर इशू की वजह से ऐसा हो सकता है आपके टीम मेंबर्स के साथ आपका झगड़ा हो जाए या फिर आपके एल्डर सिबलिंग के साथ आपका झगड़ा हो जाए, तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर यहाँ पे मार्स आपके बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है तो वो सारे रिलेशन के ऊपर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ MNC रिलेटेड करियर भी यहाँ पे आपका अच्छा खासा बन सकता है। अब देखिए मंगल देव अगर आपके मीन राशि में प्लेस्ड है या फिर पाइसिस में प्लेस्ड है तो जुपिटर के साइन में आ गया, तो फिर से मंगल यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट ही देंगे। बट वाटर साइन है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रह सकता है, जैसे कि वाटर साइंस, जो भी तीन वाटर साइन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस को लेके काम करते हैं, तो मंगल का इमोशंस से उतना ज़्यादा इनका रिलेशन नहीं रहता, तो वहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। बट आप काफ़ी ज़्यादा एक नोबल हार्टेड पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा चैरिटेबल पर्सन हो, आप अपना एनर्जी चैरिटी वगैरह में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते होंगे, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते होंगे, और वहाँ पे कुछ आपका मतलब गोल रह सकता है, स्पिरिचुअलिटी फिलोसॉफिकल कुछ ऐसा गोल। आप लोग मेडिटेशन योगा वगैरह में बहुत ज़्यादा अच्छे कर सकते हो, आप लोगों का जो इंट्यूशन रहता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग रहता है, तो उसको फॉलो करके आप जितना चलोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी यहाँ पे मेडिकल फील्ड या फिर ऐसा कोई भी मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह का कुछ काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे देखिए मीन राशि में होने के कारण आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जेटिक तो नहीं रहोगे, तो यहाँ पे बेसिकली जो मतलब आपके अंदर विजडम है आप उससे अपना गोल अचीव कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग फॉरेन लैंड में भी जाने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आइसोलेशन में भी रह के आप बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे करियर अपना बिल्डअप कर सकते हो, तो उन सारी बेसिकली आप लोगों के लाइफ में भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स भी हुए होंगे जो थोड़ा सा मतलब पैथेटिक भी हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे आपके स्पिरिचुअली मतलब कुछ भी यहाँ पे गोल अगर है तो उसको अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा एम्पैथी दिखा के मतलब कनेक्ट हो पाते होंगे दूसरों के साथ, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो थेरेपिस्ट वगैरह भी आप बहुत अच्छे बन सकते हैं। वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।